ईडी न्यूज़। तो प्रधानमंत्री ने जीत का मंत्र दिया है खिलाड़ियों को, और लगातार जिस तरह से हम बता रहे हैं कि देश में खेल संस्कृति मजबूत होती जा रही है, और जिस तरह से सरकार का जो हाथ है लगातार उसके पीछे है, उसे अगर विस्तार में समझाएं तो मोदी सरकार ने पूरी खेल पारिस्थितिकी तंत्र को ही बदलते हुए इसमें विकास का एक बड़ा काम किया है। ये पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है, और यही वजह है कि जो खिलाड़ियों में आत्मविश्वास है, जो खिलाड़ी पदक जीत कर आते हैं, बीते 10 वर्षों की बात तो देश में एक मजबूत खेल संस्कृति विकसित हुई है, और केंद्र सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। चाहे खेल नीति की बात हो, चाहे रिमोट एरिया से खिलाड़ियों को ढूंढने की बात हो, छोटे शहरों और कस्बों से खेल प्रतिभाओं की देश ने पहचान की है। जी हाँ, पहले जो बहुत बड़ी प्रतिभाएं होती थी वो जो है बड़े अवसर से चूक जाती थी, लेकिन अब आधुनिक खेल बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास किया गया है, और लगातार इसका जो फ़ायदा है वो खिलाड़ियों को पहुंच रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात साबित हुई है। अगर मन की बात करें तो प्रधानमंत्री ने सभी से #CheerForBharat का उपयोग करने के लिए कहा, और ये भी अपने आप में दिखाता है कि देश का जो शीर्ष नेतृत्व है किस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता है। सरकार ने पिछले 10 सालों में खेलों पर खर्च को 3 गुना बढ़ाया है। जी हाँ, खेलों पर खर्च 3 गुना बढ़ाया गया है, और यही वजह है कि खेल प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है। 2023-24 का खेल बजट 9 साल पहले के खेल बजट की तुलना में 3 गुना ज़्यादा है। तो लगातार न केवल साथ खड़ी है खिलाड़ियों के, बल्कि जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मुहैया करा रही है। भारत 2030 में युवा ओलंपिक और 2036 में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए पूरी तरह से तैयार है, और इसकी लगातार तैयारी की गई है। सरकार ने खिलाड़ियों को ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाने के लिए एक खाका तैयार कर लिया है। तो पहले से ही तैयारी और खेल प्रतिभाओं में उनकी पहचान, उसमें आत्मविश्वास, ये एक बड़ा खाका 2023-24 के अंतरिम बजट में खेल मंत्रालय को, अगर हम बात करें, 3,442.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तो जो बड़ी राशि आवंटित की जा रही है, और कई गुना पहले की तुलना में जो खेलों पर खर्च किया जा रहा है, खेलो इंडिया को 900 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी भूमिका निभाता है। जब हम ज़रूरतों की बात करते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 822 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो लगातार जिस तरह का ये आवंटन है, और जिस तरह से जो खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत किया जा रहा है, वो उल्लेखनीय है। खेल मंत्रालय के बजट में पिछले साल की तुलना में 45.36 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। तो ये वो आंकड़े हैं जो दिखाते हैं सरकार की प्रतिबद्धता। पिछले बजट की बात करें तो खेल मंत्रालय को 3,396.96 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। तो लगातार ये जो आवंटन है इसमें बढ़ोतरी है, ये दिखाती है प्रतिबद्धता खेलों के प्रति जो लगातार कही जा रही है। भारतीय खेल प्राधिकरण का बजट 795.77 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। तो ये भी अपने आप में बड़े आंकड़े हैं। इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये भी अपने आप में जो नई शुरुआत की गई अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम विभिन्न क्षेत्रों में खेलों में बढ़ोतरी की बात करते हैं, खेलो इंडिया मिशन, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम पहल की शुरुआत की गई, तो ये तमाम प्रमुख पहलें हैं जिनकी शुरुआत की गई। जब हम खेलों के प्रति प्रतिबद्धता को बताते हैं, खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की बात बताते हैं, और हर मंच पर जब हम खेल प्रतिभाओं की बात करते हैं, उनके लाने की बात करते हैं, उनकी हौसला अफजाई की बात करते हैं, और उन्हें एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, और देश में ये जो खेल संस्कृति मजबूत हो रही है, यही वजह है कि खिलाड़ियों में आत्मविश्वास है। खिलाड़ी अब जाते हैं तो पदक जीत कर आते हैं विभिन्न चुनौतियों से जूझते हुए भी, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। और किस तरह से ये खेल संस्कृति लगातार विकसित हो रही है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी, दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। संजय IIL के